सेलिब्रेट कर रहा है अपनी 10th एनिवर्सरी और इस मौके पर आज हम बात करेंगे 10 ऐसे स्टार्स की जो टीवी पर शोज करके लगातार अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए हुए हैं। नंबर 10 पर है हमारे बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त। संजय दत्त ने स्मॉल स्क्रीन पर सलमान खान के साथ उनके शो बिग बॉस को को-होस्ट किया था। नंबर 9 पर है अनुपम खेर। अनुपम खेर हाल ही में स्मॉल स्क्रीन पर अपना नया शो लेकर आए थे जिसका नाम है द अनुपम खेर शो। इस शो को लॉन्च हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है लेकिन शायद हमारी ऑडियंस को अनुपम के होस्टिंग का अंदाज इतना पसंद नहीं आ रहा है और इसीलिए आज अनुपम हमारे काउंटडाउन पर है नंबर 9 पर। नंबर 8 पर है हमारे डिस्को डांसर अका मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन पिछले काफी सालों से हिट डांस सीरीज डांस इंडिया डांस को जज करते नजर आए हैं। मिथुन न सिर्फ डांस इंडिया डांस के ग्रैंड मास्टर हैं, बल्कि उन्होंने DID लिटिल मास्टर्स, सुपर मॉम्स और भी कई सारे सीजन्स को जज किया है और इसीलिए आज मिथुन हमारे काउंटडाउन पर है नंबर 8 पर। नंबर 7 पर है सिजलिंग डांसिंग डीवा शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। शिल्पा ने अपना टीवी डेब्यू किया था डांसिंग शो नच बलिए को जज करके और आज तक शिल्पा नच बलिए का हर सीजन जज करती हैं। नंबर 6 पर है बॉलीवुड के डेयरिंग खिलाड़ी अक्षय कुमार। खिलाड़ी अक्षय ने अपना टीवी डेब्यू किया विथ होस्टिंग फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी। अक्षय खतरों के खिलाड़ी के 3 सीजन होस्ट कर चुके हैं। उसके बाद आपने अक्षय कुमार को किचन के खतरों से खेलते देखा होगा एज ही होस्टेड 1 सीजन ऑफ इंडियाज मास्टर शेफ एज वेल। कुछ वक्त के बाद ही सही पर अक्षय कुमार टीवी पर वापस आ गए हैं और इस बार एक बिल्कुल नए शो के साथ जिसका नाम है डेयर टू डांस और इसीलिए अक्षय हमारे काउंटडाउन पर है नंबर 6 पर। नंबर 5 पर है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित नेने। माधुरी ने टीवी पर अपना डेब्यू किया था एक वेडिंग शो होस्ट करके जिसका नाम था कहीं ना कहीं कोई है, लेकिन वो शो ऑडियंस के दिलों को इतना नहीं छू पाया और फ्लॉप हो गया। लेकिन उसके बाद माधुरी टीवी पर वापस लौटी है एक नए अंदाज में झलक दिखलाजा को होस्ट करती हुई और आज तक टिकी हुई है। अपने अमेजिंग डांस मूव से जनता का दिल जीतने वाली माधुरी आज हमारे काउंटडाउन पर है नंबर 5 पर। नंबर 4 पर है बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान। शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी पर हिट शो फौजी से की थी। उसके काफी साल बाद शाहरुख टीवी पर वापस लौटे अमिताभ बच्चन को रिप्लेस करते हुए उनके शो कौन बनेगा करोड़पति में। KBC के बाद SRK ने गेम शो भी होस्ट किया जिसका नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। नंबर 3 पर है परफेक्शनिस्ट आमिर खान। आमिर एक सोशल इश्यूज पर बेस्ड हिट शो सत्यमेव जयते होस्ट करते नजर आए हैं। आमिर सत्यमेव जयते के 2 सीजन्स होस्ट कर चुके हैं और जल्द ही अब 3rd सीजन के साथ टीवी पर वापस आ रहे हैं। नंबर 2 पर है बॉलीवुड के दबंग खान सलमान। सलमान खान ने टीवी पर अपना डेब्यू किया था 10 का दम के साथ। इस साल सलमान बिग बॉस के 8 सीजन के साथ वापस आ रहे हैं। सलमान का बिंदास एटीट्यूड और अमेजिंग पर्सनालिटी उन्हें बनाती है नंबर 2 ऑन आवर काउंटडाउन। नंबर 1 पर है बॉलीवुड के सबसे सीनियर एक्टर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन टीवी पर एक गेम शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करते नजर आए हैं और आज भी KBC का 8 सीजन होस्ट कर रहे हैं। मिस्टर बच्चन ने सलमान खान के शो बिग बॉस के 3rd सीजन को भी होस्ट किया है। रिसेंटली बिग बी ने टीवी फिक्शन में अपना डेब्यू किया अनुराग कश्यप के शो युद्ध से। टीवी और बॉलीवुड में इतना प्यार बटोरने के लिए ही बिग बी आज हमारे काउंटडाउन पर है नंबर 1 पर।